भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे उसका, मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही है। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा, भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है, सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है, वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश, मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशाह भाषांतर बनता, हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है, इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो सत्य तो सबके सामने है, आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे सबको पता चलेगा। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। तो ये मैंने जैसा बताया, आपके बूढ़े रिटायर होने के पहले आपको दिख जाएगा। डिप्राइव कास्ट है उनको, उनको सर 50% का आरक्षण है। चल सर, ये सब बात ठीक है, हम लोग खुद को अच्छा लगता है कि ये जो भी इनका मानना है, डिप्राइव लोग हम लोग के बराबरी पे आए, और अगर हमसे ऊपर भी गए तो हमको बहुत खुशी होने वाली है कि ये लोग सब साथ में है। क्योंकि सर हम हॉस्टल में आज 230 बच्चे सब साथ में रहते, कुछ ये कास्ट के रहते, कुछ बड़े कास्ट के रहते, सर सब सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हम साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं। सर अभी जैसा कुछ चल रहा है कि क्राइटेरिया जो 50% से 60% हो जाएगा इनका एडमिशन वगैरह का, सर 50% तक के हम लोग तो चाहते ही है कि ये लोग भी हमारे लेवल आप थोड़े में, क्योंकि मुझे समय चाहिए ना उत्तर देने का, एक पॉइंटेड प्रश्न पूछिए मैं उत्तर दे दूंगा। ठीक है सर, ध्यान में आ गया, कब तक चलेगा ऐसा आपको पूछना है। हाँ देखिए, अपने यहां जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है, और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा, उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जात पात के उल्लेख से और कुछ बातें नहीं दी, तो इक्का दुक्का है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह, परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक
उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है, इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी सम्मान की बात है। तो मुझे और हायर सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में लोगों ने बताया कि सर्विसेज में आने के बाद तो ये सब बातें रहती नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहां भी एक छुपा जाति भेद चलता ही है और आज भी घटनाएं तो होती है, डोली चढ़ने पर चाबुक मारा जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। ये सामाजिक वास्तव ठीक हो जाना चाहिए। हिंदू समाज में सबके लिए मंदिर, पानी, स्मशान एक होना चाहिए। ये जहां हम लोग समूह में हैं, जैसे संघ की शाखा है, कोई ऐसा गुट है काम करने वाला, उन्होंने करने की बात है। लेकिन हम लोग अपने तरफ से एक बात कर सकते हैं कि हमारे मित्र और हमारी परिवार के कुटुंब के मित्र कुटुंब, समाज के सब वर्गों, जहां हम रहते हैं वहां के सब वर्गों के वो होने चाहिए। उनके आना जाना, उठना बैठना जैसे मित्रों का होना चाहिए वैसे परस्पर व्यवहार चलता है। और ये जो उपाय किया है वो उपाय जल्दी से जल्दी सफल हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। क्योंकि अपनत्व के दायरे की बात मैंने की, आप इसको तर्क से समझेंगे तो आप आरक्षण के समर्थक हो तो भी नहीं समझ सकते, विरोधक हो तो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बात तर्क की नहीं है, ये मन की बात है, अपनेपन की बात है। इस समस्या का इलाज केवल परस्पर संवेदना, सद्भाव, यही है। उस सद्भाव को लेकर हम आचरण करें तो आज मैं ये भी देखता हूं कि जिनको आरक्षण मिलता है उनमें धीरे धीरे ये आवाज उठ रही है कि आरक्षण लेके हम समर्थ हो गए, अब हमको नहीं चाहिए, दूसरे किसी को दो जिसको आवश्यकता है। हम आज तक लेने वाले थे, अब हमको देने वाला बनना है। ऐसे अपने समाज के वर्गों के प्रमुख लोगों की भाषा अब ये हो रही है। इसलिए एक सद्भाव बनाकर हम इन बातों को देखें, नफा नुकसान का विचार न करें, अपने लोगों के लिए जिन्होंने 2000 साल कष्ट झेला, हम 200 साल कष्ट झेल ले तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार हमको करना चाहिए, ऐसा मेरा निरीक्षण है। न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर फ्लैग होस्ट क्यों नहीं किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसका रीजन क्या है, किसने नहीं किया? 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर इंडियन फ्लैग क्यों नहीं होस्ट किया? अच्छा, तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहां है वहां फ्लैग होस्टिंग करते हैं। यहां पर एक कैंपस ऋषिबाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए लोगों ने, क्योंकि एक घटना मैं बताता हूं। स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगी रंग का होगा और कांग्रेस का भी तिरंगी रंग का होगा। उस समय एकमात्र बड़ी राजकीय संस्था कांग्रेस थी, उसकी छत्र छाया में बाकी लोग थे। तो ये तय हो गया 1933 में, जलगांव के पास फैजपुर है, वहां पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार 80 फुट ऊंचे पोल पर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वो बीच में लटक गए, 10,000 लोग थे। अब क्या करें, 40 फीट ऊंचा चढ़ना है, बांस पर चढ़ना है,
तो एक जवान दौड़ के आया, वो चढ़ा, उसने वो गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया, नीचे आ गया, लोगों ने जय जयकार किया, उसको कंधे पर लिया, जवाहरलाल जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा हम सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जाके बताया कि ये संघ की शाखा में जाता है, तो वो नहीं हुआ। यहां डॉक्टर हेडगेवार थे, उनको पता चला, वो प्रवास करके वहां गए और एक छोटा सा पीतल का ही लोटा उसको बख्शिश दिया, उसकी पीठ थपथपाई। उसका नाम था किशन सिंह राजपूत, वो 7 साल पहले उनका देहावसान हो गया। मैं उनको 2 बार मिला, तो पहली बार ध्वज फहरा जाने में बाधा आई, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराया नहीं फहराए, जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्रपंक्ति में रहा है और रहते रहेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो भारत की सार्वभौम संप्रभु प्रभु सत्ता का प्रतीक है। पूर्व बंगाल में जब बांग्लादेश का युद्ध शुरू हुआ, तो रायगंज के आगे एक चौकी है, वहां पर अचानक बांग्लादेश की आर्मी आने लगी। बीएसएफ के जवान थे वहां पर, लेकिन उनको खबर नहीं। हमारा वहां 12वीं में पढ़ने वाला चिरका मुर्मू नाम का मुख्य शिक्षक था, उसने देखा, उसने जाके अलर्ट किया, तो जवानों ने कहा कि आगे हमने खंडक बनाया है, वहां की बारूद की पेटियां रखी है, वो लानी पड़ेगी जल्दी, तो हम अभी डिफेंस में है, तो 2 ही लोग मिल सकते हैं, 1 तीसरा चाहिए। तो ये जवानों के साथ वो पेटियां लाने के लिए गया, और पेटियां लाते समय वो शहीद हो गया। वहां पर उसका छोटा सा स्मारक हम लोगों ने बनाया, और उस दिन वहां वार्षिक कार्यक्रम होता है। तो हमारी संघ के स्वयंसेवकों की यह परंपरा है, जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए, प्राण देने के लिए। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को कैसे जोड़ता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। वो बैठिए ना, मैं बताता हूं, आप बैठिए। राष्ट्रवाद हम नहीं सोचते, हम राष्ट्रीयता सोचते, क्योंकि बाकी जगह जो इज्म चलता है, नेशनलिज्म, वो और हमारी राष्ट्रीयता, इसमें फर्क है। बाकी जगह राष्ट्रीयता कैसे आई, राष्ट्रवाद कैसे आया, तो मनुष्य समूह करके जीता है तब सुरक्षित रहता है, नहीं तो एक मच्छर भी उसको परेशान कर सकता है। तो मनुष्य ने समूह बनाया, लेकिन समूह में सब लोगों के स्वभाव अलग अलग है। अलग अलग लोगों को जोड़ने वाला क्या है, उनके पास कुछ नहीं, तो उन्होंने मनुष्य निर्मित कुछ आधार लिए, जैसे भाषा है, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है तब तक वो एक है, वैसे 4 भाषाएं हैं, स्कॉटिश, इंग्लिश, आयरिश और वेल्श। वेल्श में तो ये स्थिति है, वहां जाइए आप अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग बात नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी है तब तक वो है, वो ढीली हो जाती है तो स्कॉटलैंड अलग पार्लियामेंट की मांग करता है। या कोई रिलीजन, जैसे अरब के बिखरे कबीलों को इस्लाम रिलीजन देके मोहम्मद साहब ने एक किया, जब तक इस्लाम है तब तक अरेबिया एक है, नहीं तो वो इमिरेट्स है, अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग राजवंश है। आर्थिक हित, अमेरिका के लोगों का आर्थिक हित ये एकता का मलम है, आर्थिक हित के लिए इंग्लैंड से वो अलग हो गए, उस आर्थिक हित को संभालने के लिए उन्होंने समान कानून बनाया। जब तक आर्थिक हित उनके समान है तब तक वो एक है, नहीं तो स्पैनिश और अन्य यूरोपियन अमेरिकन्स, इसमें आज ही थोड़ी खाई है, ऐसे आधार उन्होंने ढूंढे। अब इनको पक्का बिठाने के लिए डंडा चाहिए, तो उसके आधार पर उसको चलाने वाली एक सत्ता है, तब तक सबको उस एक आधार पर चलना पड़ता है, तब तक वो सब लोग एक है।
सत्ता चली गई, नेशन खलास। और सुरक्षा के लिए है तो अपने नेशन का स्वार्थ, ये पहली बात, बाद में अंतर्राष्ट्रीयता। इसलिए राष्ट्र बड़ा होता है तो सब पर डंडा चलाता है। जर्मनी बलवान हो गया, दूसरा महायुद्ध हो गया। रशिया बलवान हो गया, कोल्ड वॉर हो गया। अमेरिका बलवान हो गई, सबके व्यापार चौपट करने के लिए निकला। चाइना बलवान हो गया, एक के बाद एक सबको निकल रहा। हमारी राष्ट्रीयता ऐसी नहीं है। जो मैंने कहा, ये विभिन्न जो है वो एक का ही है, ये हमको पता है, ये थियरी नहीं है, ये हमारे लोगों का अनुभव है, प्रत्यक्ष देखा है, आज भी देखने वाले हैं हमारे पास। हमारे सारे बातों की रचना इसी के आधार पर थी। और हमने जब ये सोचा कि सब एक है, तो हमको ये जो ज्ञान मिला, जिससे परम सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, कला समाप्त तो होते, सारी दुनिया को देना है। और इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा। तो हमारा राष्ट्र जो बना उस समय, बहुत परिश्रम किया ऋषि मुनियों ने। वेदों में वर्णन है, ओम भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे। विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप किया, ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम, तस उससे हमारे राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। तो हम तो परोपकार करने के लिए निकले हुए राष्ट्र है, बहुत परिश्रम से इस कोने से उस कोने तक, चिंद्विन नदी के पूरब तक, काबुल जाबुल के पश्चिम तक, तिब्बत के चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, ये जो समाज खड़ा हुआ उसका पर्पज ये है, जी के बताना, इसलिए वो समाज है, ऐसा हमारा राष्ट्र है। इसको आप क्या कहेंगे, ये जब आप दुनिया में बताएंगे, लोग कहेंगे ये हिंदुत्व की बात कर रहा है, इसको मानने वालों को हिंदू ही कहते हैं, जो हिंदू नहीं है वो कहता है हमारी ही सही है, बाकी सब गलत है। जो गलत है उनको गलत रहने देता है, कोई उनको सुधारने जाता है समझा बुझा के, कोई छल कपट करके सुधारता है, कोई डंडे मार के सुधारता है, नहीं सुधरे तो कोई मार देता है, कोई अपने दया पर जिंदा रखता है, इतना ही फर्क है। लेकिन एकमात्र भारत ऐसा है दुनिया में जो विविधता को मानता है, क्योंकि विविधता एकता का ही रूप है, विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। इसलिए हिंदुत्व ये राष्ट्रीयता है, ये हमारा स्वभाव है। राष्ट्रीयता ने खान पान पूजा पाती में नहीं है, राष्ट्रीयता इस स्वभाव में है, जो एकम सत विपरा बहुधा वदंती कहता है, समन्वय से मिलजुल कर चलो, परस्पर विशिष्टताओं का आदर करो, अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा रखो, किसी को बदलो मत, ये कहता है वो अपनी राष्ट्रीय।